तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए टाटा IPL 2022 की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि जुड़ी है उसके रिकॉर्ड को लेकर। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि IPL 2022 में अभी तक का सबसे लंबा छक्का कौन से प्लेयर ने जड़ा है। तो ऐसे 5 प्लेयरों की लिस्ट बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और अलग अलग प्लेयर के नाम आपको जानने को मिलेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो इस लिस्ट में आपको दिखेंगे 5वें नंबर पे जो कि खेल रहे हैं इस बार किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, लियाम लिविंगस्टन, जो कि एक बहुत ही पावर हिटर बैट्समैन है। तो ये छक्का जड़ा था उन्होंने उमरान मलिक के खिलाफ जो कि हैदराबाद के लिए नए बॉलर हैं, और उन्होंने इस बार IPL का सबसे तेज गेंद भी फेंका है जो कि 54 किलोमीटर की रफ्तार से फेंका गया था, और उन्हीं के खिलाफ उन्होंने जड़ा है 106 मीटर का लंबा छक्का, और इस लिस्ट में वो छक्का अभी 5वें नंबर पर मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4थे नंबर पे कौन से प्लेयर मौजूद हैं। तो 4थे नंबर पे मौजूद है RR की एक बहुत ही बेहतरीन खोज जो कि है जॉस बटलर, और ये अभी ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी सबसे आगे हैं। तो इन्होंने ये छक्का जड़ा था शार्दुल ठाकुर के खिलाफ जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं इस साल, और ये छक्का आया था 107 मीटर का जो कि एक बहुत विशाल छक्का था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन है। तो तीसरे नंबर पे एक बार फिर दिखेंगे आपको लियाम लिविंगस्टन, तो ये छक्का उन्होंने जड़ा था मुकेश चौधरी के खिलाफ जो कि इस बार चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहे हैं, और ये IPL उनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। तो उनके खिलाफ जड़ा था उन्होंने 108 मीटर का लंबा छक्का, और इस लिस्ट में उनका नाम दूसरी बार शामिल हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे पायदान पे कौन सा प्लेयर मौजूद है। तो दूसरे पायदान पे आपको दिखेंगे डिविल ब्रेविस, जो कि एक बेबी AB के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि छोटे AB डिविलियर्स, और उन्होंने एक छक्का जड़ा था राहुल चहर के खिलाफ जो कि इस बार पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं, और डिविल ब्रेविस जो कि MI की तरफ से खेल रहे हैं, ये छक्का जड़ा था उन्होंने 112 मीटर का, यानी कि 4 मीटर ज़्यादा, जो कि तीसरे रैंक के प्लेयर से लगाया था उन्होंने। तो इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा प्लेयर मौजूद है। तो पहले नंबर पे एक बार फिर दिखेंगे आपको लियाम लिविंगस्टन, जो कि इस साल बहुत ही ज़्यादा छक्के लगा रहे हैं, और साथ ही साथ छोटे मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, और ये छक्का लगाया था उन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ जो कि गुजरात के लिए इस बार बेस्ट बॉलर साबित हुए हैं, और उन्हीं के खिलाफ उन्होंने लगा दिया ये छक्का, और इसके साथ साथ उन्होंने छक्कों की हैट्रिक ही लगाई थी ये छक्का लगाने के बाद। तो ये छक्का आया था 117 मीटर का, मोहम्मद शमी ने भी उनकी तरफ देख के स्माइल पास की थी। तो आप क्या लगता है कि 117 मीटर का छक्का ही रह जाएगा नंबर वन पे, या कोई ऐसा प्लेयर है जो कि 117 मीटर से भी ज़्यादा लंबा छक्का लगा पाएगा? तो मैं उसका नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, तो कृपया वो नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर दें, और साथ ही साथ बताएं कि इस साल आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन सा फेवरेट बल्लेबाज है जो लगता है कि इस बार ऑरेंज कैप जीत पाएगा। तो अगर आप हैं क्रिकेट के IPL के सच्चे फैन, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी पे आती है सबसे तेज लाइव अपडेट और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।